गुजरात एंड स्पेशली चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात हैज कंपेल्ड जस्टिस मेहता टू विड्रॉ हिज कंसेंट। लोकायुक्त बनने के लिए कंसेंट मांगी गई थी, जस्टिस मेहता ने कंसेंट दी थी कि मैं लोकायुक्त बन के काम करूंगा। आज जो 7 पन्नों का लेटर जस्टिस मेहता का मिला है उसमें सारी बातें आ जाती है। वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी लेटर है, हमें कुछ ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत ना हो, ऐसा ही खत जस्टिस मेहता का है। उन्होंने लिखा है कि शुरू से जब से मेरा नाम गया सरकार की कोशिशें बनती रही, मैं देखता रहा, लास्ट रो ऑन कैमल्स बैक, आखिर की दो चीजें सुप्रीम कोर्ट में जब रिव्यू निकाल दी, क्यूरेटिव पिटीशन हुई, 5 जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, क्यूरेटिव में 5 जज बैठते हैं, 5 जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैव सेड कि गवर्नर ने जो अपॉइंटमेंट की है, प्राइमेसी ऑफ द ओपिनियन ऑफ द चीफ जस्टिस वो सही है, कॉन्स्टिट्यूशनल है और गवर्नर का डिसीजन उन्होंने ठीक माना। उसके बाद नोटिफिकेशन निकलना था गुजरात में। लोकायुक्त एक्ट के तहत पहले 3 लोकायुक्त बन चुके हैं और तीनों लोकायुक्त के वक्त किसी भी सरकार, कांग्रेस की भी थी, बीजेपी की भी थी, शंकर सिंह जी की अगुवाई वाली राजपा की सरकार थी 98 में, किसी सरकार ने लोकायुक्त के अपॉइंटमेंट में कभी रोड़े नहीं डाले। सिंस लास्ट 10 ईयर्स दो देर इज ए एक्ट इन गुजरात दैट इज लोकायुक्त एक्ट, वी डू नॉट हैव लोकायुक्त। और ये पहले जस्टिस मेहता ऐसे नहीं, जस्टिस दवे का नाम आया था, उसको कंपेल किया गया, दबाया गया, परशु किया गया और जस्टिस दवे ने एक लेटर भेज दिया कि मैं मेरी कंसेंट विड्रॉ करता हूं बिफोर हिज लॉर्डशिप्स अपॉइंटमेंट। जस्टिस मेहता के इस लेटर में पैराग्राफ 7 इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो पेज 2 पे पैराग्राफ 7 है उसमें उन्होंने कहा है कि ये सरकार, मैं क्यों मेरी कंसेंट विड्रॉ कर रहा हूं, उसके रीजनिंग दिए है पैराग्राफ 7 में स्पेसिफिकली। ये सरकार चाहती है जो मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है, माय वे और हाईवे, मैं कहता हूं वही करो या नहीं करो। जस्टिस मेहता ने लिखा है कि देर आर 3 कैटेगरीज, 1 कैन बी प्रो गवर्नमेंट, 1 कैन बी अगेंस्ट गवर्नमेंट, बट देर इज अ 3rd कैटेगरी, पर्सन इज अ इंडिपेंडेंट, नॉट अ प्रो गवर्नमेंट, नॉट अ अगेंस्ट गवर्नमेंट, बट इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट दैट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात इज नॉट एक्सेप्टिंग दिस 3rd कैटेगरी, जो इंडिपेंडेंट है, जुडिशियस है, ना प्रो है ना अगेंस्ट है। जस्टिस मेहता कहता है कि वो सरकार ये इंडिपेंडेंट को भी अगेंस्ट गवर्नमेंट मान के चलती है। मेरा कोई रोल कभी प्रो गवर्नमेंट एंटी गवर्नमेंट नहीं रहा है, मैं एक इंडिपेंडेंट काम करना चाहता था। ऑर्डिनेंस लाके पूरे लोकायुक्त कानून को बदलने की कोशिश की गई, जहां चीफ जस्टिस का कोई रोल नहीं रहेगा, केज पैरेट की तरह लोकायुक्त बना के रखना है, चीफ जस्टिस, लीडर ऑपोजिशन, गवर्नर, ये जो प्रेजेंट एक्ट है उसको बदल के सरकार चाहे वही हो, ऐसा ऑर्डिनेंस लाया गया जो खुद दिखाता है कि ये सरकार इंडिपेंडेंट लोकायुक्त नहीं चाहती है। जस्टिस मेहता ने अपने रीजनिंग में लिखा है कि जो लीगल बैटल लड़ी गुजरात सरकार, उसमें जो खर्चा हुआ है, द ह्यूज पब्लिक एक्सपेंसेस, इट मे बी कंपेयर टू द बजट ऑफ द लोकायुक्त ऑफिस और इवन ऑफ द हाई कोर्ट
विच डील विथ लैक्स ऑफ केसेस एवरी ईयर, इट वुड बी एन आई ओपनर. लीगल बैटल में क्रोज ऑफ रुपीज खर्चा करते हो, उसके सामने अगर लोकायुक्त का बजट भी देख लो तो कुछ नहीं है. उन्होंने कहा कि इतना खर्चा तो हाईकोर्ट का भी बजट में नहीं है जितना सिर्फ लोकायुक्त की अपॉइंटमेंट के लिए गुजरात गवर्नमेंट ने क्रोज ऑफ रुपीज पब्लिक ट्रेजरी से वेस्ट किया है. इन्होंने लिखा है, इवन आफ्टर द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, द रिलक्टेंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू नोटिफाई द लोकायुक्त अपॉइंटमेंट इन द ऑफिशियल गैजेट ऑफ द गुजरात गवर्नमेंट इज सरप्राइजिंग बट नॉट अनएक्सपेक्टेड. माने उनको भी पता चल गया था कि सरकार यही करने वाली है. जो एस्टैब्लिशमेंट, जो महकम चाहिए लोकायुक्त का को, जिसमें कटौती करके क्या पोजीशन की है, इस लेटर में बहुत अच्छी तरह से उसको दिखाया गया है. मैं मानता हूं कि देश की जनता के लिए जस्टिस मेहता की एक बहुत बड़ी सेवा है कि कागज लिख के जो पब्लिक ट्रेजरी से क्रोज ऑफ रुपीज खर्च करके इमेज मेकओवर एजेंसी अमेरिका से लगा के फेक ट्विटर और फेक फेसबुक के आईडी से पैसों के जरिए एक फरेब का चेहरा खड़ा किया है कि मैं नॉन करप्ट हूं, मेरा गवर्नेंस बेस्ट गवर्नेंस है, एक इंडिपेंडेंट जज जो एक्टिंग चीफ जस्टिस रहे हैं उनका ये लेटर इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि गुजरात के मुख्यमंत्री सबसे ज्यादा करप्ट है, डिक्टेटरियल अप्रोच है. कानून होते हुए भी यहां लोकायुक्त इसलिए नहीं है क्योंकि यहां से सबसे ज्यादा पैसों का लूट चला के, चाहे वो आरएसएस हो, चाहे नेशनल बीजेपी के लीडर्स हो, और मैनेजमेंट में पूरा पैसा यहीं से जाता है. फर्जी मुठभेड़ है और फर्जी विकास का मॉडल भी है, इनका इससे पता चलता है. जस्टिस मेहता के इस लेटर के बाद मैं मानता हूं बाकी जो पहलू है अर्जुन भाई ने और शंकर सिंह जी ने आपको एक्सप्लेन किए हैं. मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस लेटर को देश की जनता भी मीडिया के माध्यम से देखे एक बार. सच्चाई से भरा हुआ खत है. जस्टिस मेहता का नाम कांग्रेस का दिया हुआ नाम नहीं था. एक इंडिपेंडेंट रेप्यूटेड जज का नाम उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट ने दिया था. एज ए लीडर ऑपोजिशन मैंने सिर्फ जो भी पहले जस्टिस दवे का नाम आया वो भी मैंने एक्सेप्ट किया था क्योंकि एक इंडिपेंडेंट चीफ जस्टिस का दिया हुआ नाम है. मैंने मेरी चॉइस का नाम रखने की कोशिश नहीं की थी. जस्टिस मेहता का नाम भी चीफ जस्टिस ने दिया था. मैंने उनको सिर्फ क्योंकि चीफ जस्टिस की प्राइमेसी है और एक इंडिपेंडेंट नाम वो देते हैं, मैंने उनको एक्सेप्ट किया था. पर ये कंपेल किया गया है जस्टिस मेहता को कि वो चार्ज ना ले, और ये लेटर के अंदर उन्होंने सारे तथ्यों को बड़ी भलीभांति सबके सामने, आवाम के सामने रखा है. मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ. और जैसे वैसे तो मॉरल एंड मोदी नेवर ट्रैवल गो टुगेदर, पर अगर थोड़ी सी भी उसमें मॉरल की कहीं भी 1% भी कहीं जगह है तो उनको पहले गवर्नर साहब की माफी मांगनी चाहिए कि गवर्नर के खिलाफ खुद बोले हैं, गुजरात के मुख्यमंत्री खुद बोले हैं कि लोकायुक्त का अपॉइंटमेंट गलत किया था. सुप्रीम कोर्ट के 5 जज के तरफ से सर्टिफिकेट मिला है उनके तरफ से कि गवर्नर ने अपॉइंटमेंट सही की थी, तो गवर्नर की माफी मांगनी चाहिए. और जस्टिस लोकायुक्ता को
जस्टिस मेहता को ये कागज के बाद जाके मिलके उनकी माफी मांगनी चाहिए और कहना चाहिए कि आप रीथिंक करो और आइए, मेरे वहां मेरी सरकार आपको निमंत्रित करती है। पर ये उम्मीद उसी इंसान से रख सकते हैं हम जिनके पास मॉरल हो। थैंक यू।